Morning students, sebelas 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 ada soalan tentang sequence of this code. Kaksa, seventy seventy class member, apa soalnya? Tadi sama sekali malam berbeda. Untuk terjadi di sini, ini tapi masih asal. Hari ini kali ini terus sama. Terus sama. Ini terus sama. Kita kali ini terus sama. Jadi kita अभी तो हाउस समाज में पहला बार होता है तत्पुरुष समाज का दूसरा यानी पहला समाज का दूसरा पद प्रधान होता है उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं तत्पुरुष समाज कहते हैं यानी यानी जिस समाज में उत्तर आपके आने वाले पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं पहले तो इसकी परिभाषा लिखो जिस समाज में बाद में आने वाले ठीक है की प्रधानता होती है की प्रधानता होती है प्रधानता होती है उसे कौन सा समाज कहते हैं उसे समाज कहते हैं उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं ठीक है यानी जिस समाज का उत्तर पद प्रधान होता है दूसरा पद प्रधान होता है उसे समाज कहते हैं अब देखो यानी इस यह समाज का विभक्ति से पहचाना जब हम विग्रह करते हैं तो जिस पद में जो विभक्ति लगाई जाती है तो उस समाज को उसी विभक्ति लगा कर उस समाज का नाम दिया जाता है जैसे द्वितीय विभक्ति आ गई तो द्वितीय तत्पुरुष समास प्रथम विभक्ति आ गई Thank you.
știi că nu trebuie să mă, să știi că tine o gândire care o gândire și o gândire, să știi că nu trebuie să mă asta. Da? Pe, este că nu trebuie să mă atingi cu tine din pe care o gândire, ci că tine la nu trebuie să mă asta. Da? Pe, ok? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही। मैम
इसमें भी बहुत सारा चतुर्थी चतुर्थ समास है, इसका अर्थ क्या होगा? यानी गांव से गांव में जैसे धर्म लक्षण धर्म में लक्षण है, धर्म में लक्ष्य भी होता है। इसी तरह श्रेष्ठ कुल प्रसिद्ध, श्रेष्ठ कुल प्रसिद्ध यानी श्रेष्ठ कुल प्रसिद्ध है, यानी श्रेष्ठ में प्रसिद्ध ही होता है। द्वितीय पद विशेष्य हो अथवा प्रथम पद क्या हो, मान दूसरा पद में हो, दूसरा मान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मभागी समास कहते हैं। उसे कर्मभागी, उसे कर्मभागी समास कहते हैं। जैसे
करना है और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे का सवाल करेंगे।